हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में जिसका नाम है प्रीति के व्लॉग। तो आज का दिन शुरू करते हैं दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, हम लोग उठ गए हैं और हमें सगैरह चाय वगैरह पी ली है। ये रही मिशू यहाँ पे, ये छोटा बेबी है और छोटा बेबी पता नहीं किस किस में अपना स्केच कलर, वो मोम कलर कर रही है। तो चलिए मिशू के लिए फटाफट नाश्ता बना लेते हैं। और सामने वाली आंटी ने दिया है वैष्णो देवी का प्रसाद, वो उनकी बेटी शायद वैष्णो देवी गई हुई है तो कब से आवाज़ दे रही थी। तो मैं ना इस कमरे में थी, मैंने सुना नहीं, तो तब मिशू ने मेरे को बताया कि मम्मा दादी बुला रही है। तो ये रहा प्रसाद, आप देख सकते हो। हम लोगों ने खा लिया, ये बचाया मैंने हरीश के लिए। और आज ना उस रूम की लाइट भी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, जल ही नहीं रही है। तो बिल्कुल अंधेरा है उस रूम में और मैं लाइट नहीं बदलूँगी क्योंकि मुझे लगता है डर, तो हरीश अपने आप बदलेंगे। तो चलिए फटाफट दिन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ मिशू के लिए रोटी, और सोचिए उसके लिए माड़ा बना दूँ क्योंकि रोज़ रोज़ पराठा भी अच्छा नहीं रहता ना। फटाफट से उसके लिए माड़ा बनाते हैं। ये बन रहा है माड़ा और तब तक मिशू आ गई है मेरे पास। गुड मॉर्निंग बोल दो बिट्टू। गुस्सा फिर आज के बाद नहीं बनाऊंगी वीडियो मैं। और कल रात को पता है मिशू ने जीत करके पिज्जा मंगवाया था। आपने कल पिज्जा खाया था ना? बहुत जिद करी थी इसलिए मंगाना पड़ा इसके लिए। खाती बिल्कुल छोटा सा स्लाइस है, एक स्लाइस भी पूरा नहीं खाती, लेकिन मन होता है तो फिर मंगाना पड़ता है। तो कल रात को मंगाया था हमने, है ना? क्या खाया था आपने कल? जोर से बोलो। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बस 7:30 मिशू और मैं गए थे सब्जी मंडी और मिशू लाई अपने के लिए आइसक्रीम। पूरे कपड़ों में गिरा गिरा के खा रही है, देख सकते हो आप। आपको खाना गाइस? खा लो, बोलो। दाद खा लो आइसक्रीम। आप पिम अभी आंख बंद करके कैसे कर रहे थे? दोबारा करो, ऊपर देख के, ऊपर देख के, आंख बंद करके, आंख बंद करके। ये देखो दोस्तों, ये कैसे ऐसे ऐसे करती है। क्या क्या लाई हूँ आपको दिखा देती हूँ। आज ना पतंजलि का दूध नहीं मिला, मैं उसको मिशू को काओ मिल्क पिलाती हूँ। आज फिर अमूल का काओ मिल्क लाई हूँ और पनीर लाई हूँ एक पाव। काफ़ी टाइम से पनीर नहीं खाया तो मैंने सोचा आज ले आती हूँ। इतना सामान लाई हूँ मैं, आलू, सेब, खीरा, बाकी चुटर पुटर अदरक धनिया वगैरह, ये सब मिशू का सामान है। और इसमें सारे मसाले बना के लाई हूँ, मतलब जीरा, अजवाइन वगैरह वगैरह, जो मसाले होते हैं ना, पैकेट वाले नहीं खरीदती मैं, साबुत लेके वहीं पिसवाती हूँ। क्योंकि पैकेट वाले में एक तो कम आता है, दूसरा वो खुशबू भी नहीं आती। और जो आप ऐसे बना के लाओगे ना, जैसे धनिया आप खरीद के पिसवा के लाओगे तो अच्छी खुशबू आती है सब्जी में, और जो क्वांटिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये सारे मसाले अभी मैं खाली कर देती हूँ। आज मैंने चाय भी नहीं बनाई क्योंकि मैं लेट हो रहा था ना जाने के लिए, तो मैंने सोचा बाद में आके अब हरीश के लिए जब बनाऊँगी तो ही पीऊँगी। अब मेरा लेट भी हो गई। ये देखो इसको पूरे कपड़ों में गिरा के, चलो हाथ धो लो। चलिए गाइस, मैं एक बार इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। मिशू की टी शर्ट करती है चेंज, ये रही। अब देखना मिशू क्या बोलने वाली, कुछ बोलना चाहती है। क्या बोलना है? ऐसी पिट्टी होगी ना। एक्चुअली ना मैं इसके लिए किंडर जॉय लेती नहीं हूँ क्योंकि ना एक तो काफ़ी महंगा है, बात महंगे की भी नहीं है, ले ला रहा हूँ एक मिनट, बात महंगे की भी नहीं है, बात ये है ना कि उसकी क्वांटिटी बिल्कुल एक चम्मच चॉकलेट आती है, मतलब खाली वेस्ट ऑफ मनी है वो, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैं नहीं लेती हूँ इसके लिए। तो आज जब मैं वहाँ सामान ले रही थी ना, वो बिल्कुल जस्ट सामने पे रखा हुआ था और वो ऐसे शीशे के उस पार था, ये शीशे में से उसी को देखे जा रही है, कंटिन्यू उसी को देखे जा रही है। बट इसने मेरे को बोला नहीं, इसने बोलने की हिम्मत नहीं करी कि मम्मा ले दो, बट मैं समझ गई थी। तो मैंने उसको पूछा तो बोलती बोलती कुछ नहीं चाहिए, बोलती कुछ नहीं चाहिए। बट फिर मैंने बोला किंडर जॉय लेना है तो हाँ बोलती, फिर मैं दे रहा हूँ बिट्टू। फिर ना मेरा दिल पसीज गया, माँ का दिल तो ऐसा ही होता है ना, तो मैंने ले लिया इसके लिए। बट ये आदत रखनी नहीं है इसकी। ये देखो इतना सा है गाइस, ये 45 रुपीज़ का। आप लोगों को क्या लगता है, आप बताना ये वेस्ट ऑफ मनी है या नहीं। लाइक कर दे, बोल दो मतलब। यस 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 यस।
पहले टॉय टॉय देखते हैं। टॉय किसमें? तो दिखा दो अपना टॉय, दिखा दो। मिशु के लिए एक और डॉल आ गई है, इसका पूरा एक छोटा बॉक्स भर रखा है किंडर जॉय के टॉय से। अच्छी लगी आपको? ये लो चम्मच। तो इतना सा आता है यार ये 45 रुपए का, पूरा फुल ऑफ वेस्ट ऑफ मनी है। तो ना एक्चुअली मुझे होता है लेट, आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी है, तो पहले मैं फटाफट दिया जलाती हूँ, उसके बाद जल्दी से एक्सरसाइज करती हूँ, आप लोगों से फिर मिलती हूँ। दोस्तों मेरी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, और ना ये मिशू मेरे को बहुत परेशान करती है। जब मैं गोल गोल, मतलब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, मेरे गोल 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 घूमती है, दिमाग खराब कर देती है। हाँ घुस जाओ कैमरे के अंदर, घुस जाओ। लो पूरा स्वेटिंग स्वेटिंग हो गया, तो एक बार मैं फटाफट थोड़ा सा रेस्ट करके हाथ में धोती हूँ। नहीं पता, उधर चेयर में आपका बैग है ना, उसके अंदर है। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करती हूँ, इसके भी आने का टाइम हो रहा है, चाय वाय भी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस हरीश आ गए हैं और चाय मैंने बना दी है, ये रही मेरी चाय। और आज मैं बना रही हूँ पनीर। तो मैं कैसे पनीर बनाती हूँ, मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, मैं आपको एक बार बता दूँगी कि मैंने तेल गर्म करने को रखा हुआ है, आप देख सकते हो, और तेल लगभग गर्म भी हो चुका है। तो मैंने ये दो प्याज लिए हैं, दो टमाटर, दो मिर्च, थोड़े से लहसुन और अदरक। मैं क्या करती हूँ ना, इन सबको तेल में डाल के पहले थोड़ा सौते कर लेती हूँ। चलिए डाल देते फटाक से, ये देखिए। इससे क्या होता है ना, इससे होता ही है कि फिर इसको थोड़ा सा पका लेंगे ना, तो ये सब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, तो इसका जो वो ग्रेवी बन के आती है ना, मतलब मसाले की, वो बहुत टेस्टी बनती है, कच्चापन चला जाता है। तो उसके बाद भी हम पकाते हैं खैर, लेकिन फ़िलहाल ऐसे करके मैं इसको पकाती हूँ, सब एक साथ मिक्स करके, आप देख सकते हो। गाइस ये देखो मसाला मेरा कितना अच्छा कलर आ गया इसका, और यहाँ पे पनीर कट करते हैं। ये रही मिशू, बैठ गई सामने, गंदा हो रहा है, और यहाँ पे तेल चढ़ा दिया मैंने, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। बस इसको जीरे का तड़का लगाऊंगी, ये मसाला डालूंगी, अच्छे से पकाऊंगी और पनीर डाल दूँगी, बस सिंपल सा है। देख सकते हो आप सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। पिट्टी खानी है? ये देखो इसको, ये इसके ये मसाला मेरा पक रहा है। इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, नमक, बटर पनीर मसाला और हल्दी, और लाल मिर्ची डालती नहीं हूँ मैं। तो ये मसाला जब तक तेल ना छोड़ने लगे ना, इसको अच्छे से पकाना है ताकि कच्चापन ना रहे, और गरम मसाला निकाल के रखा है। काफ़ी कम यूज़ करती हूँ मैं गरम मसाला और लाल मिर्च, ना के बराबर। तो देखिए ये मसाला इतना हो गया, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। ओके, अच्छे से खोलने लग गया है, और इसको थोड़ा घटा देंगे, जितना आपको ना तरी चाहिए उतना। कई लोग इसको फ्राई करके भी बनाते हैं, बट क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाता है और मुझे पसंद भी नहीं है, सॉफ्ट पनीर पसंद है मुझे, इसलिए मैं फ्राई नहीं करती हूँ। चलिए इसको आराम से पकने देते हैं। तो गाइस ये देखिए मेरा पनीर बन चुका है, सिंपल सा, और इसको मैंने पनीर को डाल दिया है, दो मिनट और पका लूँगी। धनिया पत्ता भी डाल दिया है, देख सकते हो। चलिए गाइस ये पकने देते हैं आराम से, उसके बाद रोटी के लिए आटा है ही, तो आटा गूंदूंगी नहीं। चलिए मिलती हूँ बाद में।